हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपसे चेतक की एग्जैक्ट कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करूँगा कि मुझे ये चेतक कितने की पड़ी, इसमें मैंने एक्सेसरीज जो ऐड करवाई वो कितने की करवाई और एक्सटेंडेड वारंटी इसकी कितने की थी। तो आज मैं आपको इसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग दिखाऊँगा चेतक की। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले। ओके गाइस, ये मैंने पहले से लिस्ट बना के रखी है आपके लिए। तो ये देखो, व्हीकल प्राइस, जो व्हीकल का एग्जैक्ट एक्चुअल प्राइस है वो है 132,899, ठीक है। उसके बाद उसमें हमें फेम टू सब्सिडी जो मिल रही है वो मिल रही है 17,897, और सब्सिडी के बाद जो एक्स शोरूम प्राइस बनता है वो बनता है अपना 1,15,002 रुपीस, ठीक है। तो मैं आपको पहले फेम टू सब्सिडी के बारे में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब भी ये चेतक मैंने ली थी मुझे भी सब्सिडी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं था। ये मैं आपको पंजाब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपकी स्टेट का आप प्लीज़ कंफर्म कर लेना। पंजाब में जो है, जो स्टेट सब्सिडी है वो अभी बंद हो गई है, और जो हमें सब्सिडी ये मिल रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। जो आपको वेबसाइट पे प्राइस दिखाते हैं एक्स शोरूम प्राइस, वो इस सब्सिडी के बाद का ही प्राइस है। वो सब्सिडी उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, इसके बाद आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सिर्फ यही सब्सिडी है, इसके अलावा कोई भी सब्सिडी हमारे पंजाब में हमें और नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सब्सिडी हो गई। और हाँ, सब्सिडी की एक बात और क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। सब्सिडी की एक कंडीशन है, अगर आपके नाम पे कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप फेम टू सब्सिडी अपनी लाइफ में एक ही बार क्लेम कर सकते हो, दूसरी बार सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके नाम पे ऑलरेडी एक बार सब्सिडी मिल चुकी है, इशू हो चुकी है सरकार की तरफ से, तो दूसरी बार नहीं मिलेगी। अगर राम और श्याम दो लोग रहते हैं घर में, राम सब्सिडी ऑलरेडी अवेल कर चुका है, तो आप ऐसा करो कि दूसरा स्कूटर जो लेना है वो शाम के नाम पे ले लो। तो सब्सिडी का ऐसा सीन है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गई सब्सिडी, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्स शोरूम प्राइस। उसके बाद हमारे पंजाब में जो आरसी का प्राइस है वो है 455 रुपीस, और उसके बाद है एचएसएनपी। मुझे एचएसएनपी नहीं पता क्या होता है, जैसे उन्होंने मुझे लिख के दिया मैंने वैसे ही इधर लिख दिया। तो ये शायद टैक्सेस एंड ऑल ये सब का कुछ सीन होगा, मुझे नहीं पता। आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे भी बता देना एचएसएनपी क्या है। तो ये 600 रुपये इसके थे, और उसके बाद थे हैंडलिंग चार्जेस 1,416। ये मैंने उनसे बहुत बोला कि ये हैंडलिंग चार्जेस किस चीज़ के हैं, पर वो बोले ये कंपनी की तरफ से हैंडलिंग चार्जेस आपको लगेंगे ही लगेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते वो लोग। चलो ठीक है, तो ये हो गए हैंडलिंग चार्जेस। उसके बाद इंश्योरेंस, जो मस्ट है, इंश्योरेंस मुझे मिली 7,500 रुपीज़ की। तो ये सब चीज़ों के बाद जो चेतक की कॉस्टिंग आ गई वो आ गई 1,24,973 रुपीज़। ये हमारे चेतक की एग्जैक्ट कॉस्टिंग आ गई, ठीक है। तो इसके बाद जो मैंने एडिशनल खर्चा किया उसमें मैंने ली एक्सटेंडेड वारंटी 6,000 रुपये की। एक्सटेंडेड वारंटी में ऐसा था कि एक्सटेंडेड वारंटी के बिना चेतक की वारंटी हमें मिलती है 3 साल तक, 3 ईयर्स, और 50,000 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर्स में जो भी चीज़ पहले हो जाएगी हमको इसमें उतनी वारंटी मिलती है। पर 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने से क्या होगा, 20,000 किलोमीटर बढ़ जाएंगे, 20,000 किलोमीटर्स और 2 साल, 2 ईयर्स, ठीक है। तो या तो जो 50,000 किलोमीटर थे वो हो गए 70,000, और जो 3 साल थे वो हो गए 5 साल। तो विच एवर इज अर्ली, तो तब तक मेरी वारंटी चलेगी 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके, 5 साल प्लस 70,000 टोटल किलोमीटर्स, ओके। तो उसके बाद मैंने एसेसरीज ऐड करवाई, तो एसेसरीज में मेरे 2,895 रुपये की, 2,895 रुपये की, इसमें मुझे मिला एक तो फुट मैट, और मुझे मिला था एक सीट कवर,
और मुझे तीसरी चीज़ जो मिली वो थी वो जो बॉडी के गार्ड्स होते हैं स्टील के, वो गार्ड मिला था। तो ये तीन ही चीज़ें थी एक्सेसरीज में जो 2895 में मुझे मिली। तो इस सब के बाद मुझे चेतक की टोटल कॉस्टिंग आई 1,33,868 रुपीज़। ये मैं उनको पैसे देके अपनी चेतक घर पे ले आ चुका हूँ। तो अभी मुझे इसमें फुटरेस्ट भी ऐड करवाना है जो अभी उनके पास अभी आया नहीं है शोरूम में। तो जब वो आएगा तो मैं जाके उनसे फुटरेस्ट लगवा लूँगा जिसके हैं एडिशनल 1500 रुपये। तो ये सब चीज़ों के बाद हमें चेतक लगभग पड़ रहा है 135,368। और अभी अगर आपको टेक पैक लेना है जो मुझे लगता है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी दिन हो गए चेतक चलाते हुए पर आज तक मुझे नहीं लगता मैंने टेक पैक का एक भी फीचर यूज़ किया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा टेक पैक एक्सप्लेन करूँगा वो क्या है, उसमें क्या क्या एडिशनल मिल रहा है और उसकी आपको ज़रूरत है भी या नहीं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको टेक पैक लेना है तो उसके 9,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, 8 या 9,000, अभी मुझे श्योर नहीं है कितना है, शायद 8,000 ही है वो। तो वो 5 साल के लिए आपका टेक पैक में अपग्रेड कर देंगे। तो यही था गाइस इस वीडियो में, मैंने आपको पूरी अपनी चेतक की कॉस्टिंग बता दी, उसमें कितने की एसेसरी लगवाई वो सब, इंश्योरेंस RC वो सब के बारे में बता दिया जो हमारे पंजाब में था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आपका क्या ही जा रहा है सब्सक्राइब बटन दबाने, कर दो प्लीज़। हाँ तो ठीक है, अभी फिर आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जो वीडियो में बनाएंगे टेक पैक के ऊपर। तो देखेंगे कि टेक पैक की आपको ज़रूरत है या नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है, वो सब मनी वेस्ट है टेक पैक, 8,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको क्यों ही लगाने हैं, है ना। बाकी ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।